एक गांव में दो बहनें रहा करती थीं, सोनम और सुजाता। सोनम के कम पढ़े लिखे होने के कारण सोनम का विवाह एक गरीब परिवार में हुआ, वहीं सुजाता की सुंदरता पर रीझकर एक अमीर व्यक्ति ने उससे विवाह किया। अपनी सुंदरता का घमंड तो सुजाता को पहले ही से था, विवाह के बाद उसे दौलत का भी घमंड हो गया। दोनों बहनें आसपास ही रहा करती थीं। जब भी मौका मिलता सुजाता सोनम को उसकी गरीबी के कारण नीचा दिखाने की कोशिश करती। अरे सोनम, तुझे पता है अभी अभी मेरे पति ने मुझे सोने का हार दिलाया और तुम्हारे खेत के पास वाला जो खेत है वो भी हम खरीद रहे हैं। तुमने तो शादी के बाद कुछ भी नहीं खरीदा होगा, मगर कर भी क्या सकते हैं। तुम्हारे पति के तो खाने के ठिकाने नहीं है, वो तुम्हें क्या खरीद कर देगा। सोनम को बुरा तो लगता किंतु वह मन महसूस कर रह जाती। सोनम के दिन बड़ी तंगहाली में गुजर रहे थे, दो वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुट पाती थी। कई बार सुजाता से मदद की गुहार की। अरे सुजाता बहन, आज हमारे घर पर अन्न का एक दाना भी नहीं है। ऐसे में मेरे पति जमींदार के घर पर गए, मगर जमींदार ने पैसे देने से इनकार कर दिया। तो सुजाता बहन, आज तुम थोड़े पैसे की मदद कर दो, फसल बिकते ही हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। अरे बहन, तू आज पैसे मांगने आई है? अगर तू कल पैसे मांगने आती तो मैं तुझे थोड़े बहुत पैसे दे भी देती। मैंने तुझे बताया था ना, तुम्हारे खेत के पास वाला खेत जो हम खरीद रहे हैं, तो आज सुबह सुबह मेरे पति घर में जितने भी पैसे थे सभी लेकर चले गए, घर में आज पैसे नहीं है। किंतु सुजाता ने कभी उसकी कोई मदद नहीं की। एक दिन सोनम ने सोचा, सुजाता ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया, अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूं, मैं मेरे बड़े भैया के घर जाकर उनसे पैसे मांगती हूं, वो मुझे पैसे देने से मना नहीं करेंगे। आगे बढ़ने पर उसे एक बूढ़े बाबा दिखाई पड़े। अरे बाबा, इतनी गर्मी में आप ये भारी मटका लेकर कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं बेटी, बस ये पास वाले गांव में मेरा घर है, वहीं ये पानी का मटका लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, मैं भी गांव की ओर जा रही हूँ, लाओ अपना ये मटका मुझे दे दो। नहीं बेटी नहीं, मैं तो ले जाऊंगा ये मटका, तू क्यों तकलीफ उठाती है? अरे बाबा, मैं भी तो तुम्हारी बेटी जैसी हूँ, लाओ दे दो मुझे ये मटका। मटका ले लिया, दोनों साथ साथ गांव पहुँचे। सोनम ने बूढ़े बाबा के घर तक मटका छोड़ दिया। ठीक है बाबा, अब मैं चलती हूँ, और अपने भाई के घर पहुँच गई। मगर उस समय भाई घर पर नहीं था। अरे भाभी, भैया कहाँ पर हैं? वो अभी घर पर नहीं है। अरे मुझे भैया से जरूरी काम था। क्या काम है, मुझसे कहो। अरे भाभी, मैं क्या बताऊँ, अभी हमारे घर के हालात बहुत खराब हैं। हमारे पास दो वक्त के खाने के भी पैसे नहीं हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई पैसों का पेड़ है जिसमें से पैसे तोड़कर तुम्हें हम दे दें, हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं। ठीक है, पैसे मांगने के अलावा कोई काम हो तो बताओ, वरना यहाँ से जाओ। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। भाभी ने उसे घर से भगा दिया। दुखी होकर वह अपने गाँव वापस लौटने लगी। अरे बेटी इधर आओ। अरे बेटी, तो इस गांव में किसके घर आई थी? अरे बाबा, मैं वो अपने भैया के घर पर उनसे मदद मांगने आई। मगर सोनम ने अपनी पूरी कहानी बाबा को बताई। बेटी ले, तू इन तीनों घड़ों में से एक घड़ा ले ले। क्यों बाबा? अरे बेटी, तू इतनी दूर से पैदल चलकर आई है और पैदल ही चलकर तुझे जाना है। बेटी, अगर तुझे रास्ते में भूख लगे तो ये घड़े के अंदर लड्डू है, तू वो लड्डू खा लेना बेटी। नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए, आपने मुझसे पूछा वो ही बहुत है। अरे बेटी ले लो, तू भी तो मेरी बेटी जैसी है। फिर बाबा के बार बार कहने से सोनम वो घड़ा बाबा से ले लेती है। बाबा अब मैं चलती हूँ, वरना मुझे घर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। और फिर अपने घर की ओर जाने लगती है। अरे सोनम, आज तुम अपने बड़े भैया के घर गई थी,
तुम्हारे भैया ने अपने कुछ मदद करी? मैं वहाँ गई थी, मगर भैया तो घर पर नहीं थे और भाभी ने तो मुझे घर से भगा दिया। अच्छा, इसका मतलब आज भी अपन दोनों को भूखा रहना पड़ेगा? नहीं, आज हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मतलब पैसे मिले क्या? अरे नहीं, मैं जब भैया के घर से वापस लौट रही थी तब मुझे रास्ते में बाबा मिले और वो बाबा ने मुझे एक लड्डू से भरा घड़ा दिया कि रास्ते में भूख लगे तो खा लेना, मगर मैंने वो लड्डू नहीं खाए। क्या, ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ फटाफट से तुम वो लड्डू ले आओ, अपन दोनों खाएंगे। आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। और जैसी ही सोनम घड़े को खोल कर देखती है तो वो चौंक जाती है। अरे बाप रे, सोने की मोहरे, वो भी इतनी सारी? अरे क्या हुआ? अरे बाप रे बाप, इतनी सारी सोने की मोहरे! तुम्हें ये घड़ा किसने दिया? मैं सच कह रही हूँ, मुझे ये घड़ा एक बाबा ने ही दिया। अरे बाप रे बाप, भाग्यवान, मुझे तो अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने अपनी सुन ली। तुम सच बोल रहे हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। सोनम और उसके पति की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर वो दोनों ने गांव में खेती के योग्य एक जमीन खरीदी। सोनम की तरक्की देखकर सुजाता को बहुत जलन हो रही थी। वो अपने पति से कहती है, अरे सुनो जी, ये मेरी बहन इतनी पैसे वाली कैसे बन गई? उसके पास इतना धन कहाँ से आया? कुछ दिन पहले तो ये मेरी बहन भिखारी जैसे अपने घर पर भीख मांगने आई थी, और अब तो हमसे भी ज्यादा पैसे वाली हो गई। हाँ, मैं भी वो ही सोच रहा हूँ। पहले तुम्हारी बहन का पति लोगों के खेत में दिहाड़ी से काम करता था, और एकदम से इतना पैसा कहाँ से आया? मगर अभी कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारी बहन को तुम्हारे भाई के घर की ओर जाते देखा था। क्या, भैया के घर की ओर? हाँ, मुझे तो लगता है भैया के घर से ही इतनी सारी धन दौलत लेकर आई होगी। मगर तुम्हारा भाई कैसा है, जो सारा धन तुम्हारी छोटी बहन को ही दे दिया? उसकी बहन तुम भी तो हो ना, भाई के लिए तो दोनों बहन सामान्य है, तो फिर दोनों बहनों को बराबर का हिस्सा देना चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, भैया की संपत्ति पर जितना उसका अधिकार उतना ही मेरा अधिकार है। अपन कल सुबह ही मेरे भाई के घर चलेंगे। फिर वो दोनों सुबह सुबह अपने बड़े भैया के घर उनसे मिलने जाते हैं। उन्हें भी रास्ते पर वही बाबा दिखाई पड़ते हैं। अरे बेटी, तुम जरा ये मटके को उठाकर मेरे कंधे पर रख दोगी क्या बेटी? क्या तुम अपना काम खुद नहीं कर सकते हो क्या? मैं बूढ़ा हो गया हूँ बेटी, मुझसे ज्यादा वजन नहीं उठता, तो कृपया करके बेटी बस तुम ये मटके को मेरे कंधे पर रख दो बेटी, बेटी रख दो। तो क्या हमसे पूछकर बुढ़ा हुआ था? खुद ही तो बुढ़ा हुआ है। अरे भाग्यवान, तुम भी कहाँ इस बुढ़े की बातों में आ रही हो? जल्दी जल्दी चलो, हम घर पहुँचने ही वाले हैं। मगर सुजाता ने उन बाबा की कोई मदद नहीं की। वह उसके भाई के घर पहुँच जाती है। अरे भैया भाभी, अभी कुछ दिन पहले छोटी बहन सोनम यहाँ पर आई थी क्या? हाँ सुजाता, थोड़े दिन पहले सोनम आई थी, मगर मैं उससे नहीं मिला। जब वो घर आई थी मैं बाहर शहर था, उससे केवल तुम्हारी भाभी ही मिली। भाभी, तुमने उसे कुछ दिया था क्या? नहीं, मैंने तो उसे कुछ भी नहीं दिया। हमारे पास कुछ होगा तो ही तो उसे देंगे। अच्छा, इसका मतलब आपने उसे कुछ नहीं दिया। ठीक है भैया, हम चलते हैं। अरे अभी तो तुम दोनों आए हो और इतनी जल्दी जा भी रहे हो, खाना तो खाकर जाओ। नहीं, हम यहाँ से निकल रहे थे तो हमने सोचा कि भैया से मिलते हैं। ठीक है, हम चलते हैं। अरे भैया ने तो उसको कुछ भी नहीं दिया, तो फिर उसे इतना सारा धन माया फिर कहाँ से मिला? मैं भी वही सोच रहा हूँ। इतनी धूप में चलने के बाद मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है। तुम्हें भैया के घर पर प्यास नहीं लगी क्या? तुम जाकर कहीं से जल्दी से पानी लेकर आओ, मुझे चक्कर जैसा लग रहा है। अरे जब मुझे प्यास नहीं लग रही थी, अब मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है। उन्हें एक झोपड़ी दिखती है, वह झोपड़ी उन्हीं बाबा की थी। क्या हुआ बेटा, मेरे घर की तरफ कैसे आना हुआ? बाबा,
एक लोटा पानी मिल सकता है क्या? क्यों नहीं बेटी, आओ आओ मेरे घर के अंदर आओ। बाबा, हमने तो तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया था, तो भी तुमने हमें पानी दिया है। तो क्या हुआ बेटी, वो तुम्हारा कर्म था, ये मेरा कर्म है। और बेटी, तुम दोनों को मैंने इस गांव में पहली बार देखा। तुम दोनों इस गांव में किसके घर आए हो? अरे बाबा, इस गांव में मेरे बड़े भैया रहते हैं, उनसे मिलने हम इस गांव में आए हैं। अच्छा बेटी, तुम वो हरिया की बहन हो ना? बेटी, तुम्हारी एक और भी बहन है ना, जो थोड़े दिन पहले तुम्हारे भाई से मिलने आई थी। बाबा, वहाँ थोड़े दिन पहले भैया से मिलने आई थी, मगर बाबा तुम्हें कैसे पता? अरे बेटी, जिस जगह तुम मुझे आज मिली थी, थोड़े दिन पहले तुम्हारी बहन भी मुझे वहीं मिली थी। उस बेचारी बच्ची ने मेरा मटका मुझसे लेकर मेरे झोपड़ी तक छोड़ा मुझे। मगर बाबा, तुम्हें पता है, जब से मेरी बहन भैया के घर से होकर आई है, जब से उसके पास में खूब धन दौलत हो गई है। बताता हूँ बेटी, बताता हूँ। उस बच्ची के पास जितनी भी धन दौलत आई है, वो उसके अच्छे कर्म और अच्छी नियत के कारण उसे प्राप्त हुई है। बाबा, मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ नहीं आ रही, और मेरी बहन के ऐसे क्या अच्छे कर्म हैं जो उसे इतना धन मिल गया? कर्म और नियत अच्छी होने से ही धनवान कैसे हो सकते हैं? बाबा, तुम कैसी बात कर रहे हो? बताता हूँ बेटी, बताता हूँ, सब बताता हूँ बेटी। यहाँ पर जितने भी ये घड़े रखे हैं, ये कोई साधारण घड़े नहीं है। ये घड़े मनुष्य के कर्मों और मनुष्य की अच्छी नियत के परिणाम देने वाले घड़े हैं। क्या इंसान के कर्मों का घड़ा ये कैसा खड़ा है? बाबा, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ गई। यह कर्मों के घड़े हैं। अपना जैसा कर्म होगा, इस घड़े में से अपने कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। ठीक कहा बेटी, बिल्कुल ठीक कहा। बाबा, आपको विपत्ति ना हो तो एक घड़ा क्या हमें आप दे सकते हैं? हम भी हमारा कर्म अजमा कर देखते हैं। क्यों नहीं बेटी, क्यों नहीं, ले लो, तुम भी एक घड़ा ले लो, तुम भी अपने कर्म और अपनी नियत का फल पाओ। सुजाता को भी बाबा ने एक घड़ा दे दिया और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात के समय जैसे ही वो घड़ा खोलते हैं, उनके घड़े में से बहुत सारे कीड़े निकलने लगते हैं। बाप रे बाप, अपने घड़े में से तो कीड़े निकले। पर क्या गलत निकला, अपने कर्मों के हिसाब से अपन को ये बिल्कुल सही मिला है। अपन बहुत लालची थे, तुम्हारी बहन बेचारी इतनी मजबूरी की मारी अपने पास कुछ पैसे की मदद मांगने आई थी, लेकिन अपन ने उसकी मदद नहीं करी। कर्म ऐसे करने के बाद अपन अच्छे फल के परिणाम की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे अपने पैसे का बहुत घमंड था। मैंने मेरी बेचारी बहन की मजबूरी नहीं समझी, मैं कैसे भी करके बस अपनी अमीरी से उसे नीचा दिखाती। सुजाता और उसके पति को अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था।